नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो सेशन में, कमाल की सेशन में। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलरी में। दोस्तों बहुत ही अनोखी बहुत ही कमाल की जानकारी लेके आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, यदि दोस्तों आज आप एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना चाहते, यदि आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है या गलत उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। यदि आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है। यदि आप एक अच्छी एमएलएम कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं, आना चाहते हैं एक अच्छी एमएलएम कंपनी में तो कैसे उसे जज करें तो दोस्तों आपके लिए वीडियो है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में पूरे बने रहिएगा। बड़ी कमाल की तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यकीनन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूं लेकिन आपको पसंद आने वाली है प्योर, हमें पता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपको यदि ये वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप श्रोता हैं, आप सुनेंगे, जज करेंगे हमें, और यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर देंगे, और यदि नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक जरूर देंगे। तो डिसलाइक की भी आपसे अपेक्षा है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो। दोस्तों शुरू करते हैं एक अनोखे अंदाज में। सबसे पहले किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी में जाने से पहले सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत कब हुई। आज हुई है, कल हुई है, 2 साल, 5 साल, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कभी तो शुरुआत हुई होगी। आज हुई है तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हुई है आज शुरुआत लेकिन बताया जा रहा है कि 5 सालों से चलती आ रही और आप देखते नहीं, आप समझते नहीं, आप अपनी नजरों से नहीं देखते, बस सामने वाले पे भरोसा कर लेते। आप देखो, देखो उस कंपनी का वेबसाइट चेक करो, आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कब आई है। वेबसाइट पे मेंशन किया रहता है, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहेगा तो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। और ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसी समय इस कंपनी को काम करने से मना कर दीजिए, जो भी कंपनी हो। यानी सबसे पहली शुरुआत कि आप ये देखो कि कंपनी की शुरुआत कब हुई। दूसरी चीज है, मैं ऐसे 2-4-5 चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी कमाल कमाल की चीजें मैं बताने वाला हूं। दूसरी चीज है वो कंपनी का बागडोर, यानी उस कंपनी को संभालने वाले उस कंपनी के डायरेक्टर किस नियत के, वो कहां के हैं, इससे पहले वो क्या करते थे, उससे पहले वो जो काम कर रहे थे क्या वो अच्छा काम कर रहे थे या बुरा काम कर रहे थे। यानी बाहर में कोई क्रिमिनल था, कोई डाकू था, और उसे लगा कि लोग बाहर की दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आंख देख, मतलब बड़ा पैसा देख करके आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं और चले आते हैं। मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरुआत करनी है, बहुत बड़ा पैसा है, पैसा लगा दिया, कंपनी शुरुआत कर ली और लोग फंसते चले गए, फंसते चले गए। पता चलेगा कुछ समय बाद वो कंपनी, वो लोग जो कंपनी को चला रहे हैं बंद करके चले जाएंगे। यानी वो कंपनी के डायरेक्टर कैसे हैं, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, क्या मिशन लेके वो चल रही है, मिशन क्या है उसका, उसका विजन क्या है, वो कहां तक देखना चाहते हैं, आने वाले समय में कंपनी को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका मिशन जानिए, उसका विजन जानिए। यानी इस कंपनी को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, वो कंपनी के दूरदर्शी, यदि इस कंपनी को दूर तक ले जाने की सोच रखते हैं या नहीं, और यदि सोच रखते हैं तो क्या उसके अंदर काबिलियत है या नहीं। वो काबिलियत देखना हो तो काबिलियत देख सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत कब हुई और कंपनी आज कहां पे है, उसका ग्राफ देखिए, रेशियो देखिए कि किस रफ्तार में वो कंपनी आगे बढ़ रही है। यदि उसका रफ्तार बढ़ रही है तो समझ लीजिए आपकी भी रफ्तार उस कंपनी में बढ़ने वाली है। यदि उसका रफ्तार धीरे 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 कम हो रही है समय के अनुकूल तो समझ लीजिए आप भी उस कंपनी में धीरे 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 नीचे आओगे। यदि रफ्तार बढ़ रही है तो आप भी बढ़ोगे। यानी पहली चीज है कंपनी शुरुआत कब हुई, कंपनी किसके हाथों में है, उसके बागडोर किसके हाथों में है, उस कंपनी के डायरेक्टर, उस कंपनी के मालिक, उस कंपनी के ऑनर कौन है, कहां से है, क्या करते थे, और अभी वो किस कंपनी को किस तरह से लीड कर रहे हैं, आगे वो कहां तक ले जाना चाहते हैं, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। तीसरी चीज है दोस्तों, कंपनी के पास कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट है जो भारत सरकार के अंडर में है, यानी भारत सरकार उसको ये परमिशन दी हुई है कि वो भारत में अपने इस व्यवसाय को चला सकता है। फर्जी सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनियां भी भारत में आई दोस्तों जिसके पास सर्टिफिकेट थे लेकिन इसके बावजूद भी बंद हुई। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक अच्छी नियत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी कोई चीज पर्दा में नहीं रखती। यदि वो सच है, यदि आप सच हो तो दुनिया के सामने उजागर होने में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। आप खुल के बताओ, पूरी दुनिया को बताओ कि आप क्या हो,
उसके पास कौन से ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट्स हैं जो उस कंपनी को लीगल बनाने में, लीगल बताने में सपोर्ट करती हो या फिर मदद करती हो या फिर उसको लीगल बताती हो, उसके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, वो तमाम सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। या फिर उस कंपनी के बड़े से बड़े सीनियर से संपर्क करें, उस कंपनी के कस्टमर केयर से बात करें और उससे संपर्क करके उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी तसल्ली से लें। सिर्फ आप अपने करीबी व्यक्ति जो आपको इस इंडस्ट्री में ला रहे हैं उसकी ही बातों पर भरोसा करके इस इंडस्ट्री में ना आ जाए, क्योंकि दोस्तों करियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, आप वर्षों समय देने वाले हैं वहां पर, आप बहुत दिन समय देकर के आप अपना एक लाइफ सेटलमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपका वर्षों का मेहनत बेकार ना जाए, ऐसा ना हो कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस तो बिल्ड कर ले, लेकिन एक समय कंपनी बंद होकर चली जाए और आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाए। हो सकता है उस दिन, उस दौरान आप कुछ चंद लाख कमा भी लिए हो, लेकिन यदि आप वो मेहनत बेकार हो जाएगी यदि उस कंपनी चली जाएगी, तो यदि वही मेहनत किसी ऐसे कंपनी में होगी जो कंपनी आपको लंबे समय तक, लंबे दूरी तक लेके जाए, तो दोस्तों यानी कि जब तक आप समझ लीजिए सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट जब तक नहीं होते, आप रिटायर तो हो जाते लेकिन सरकारी नौकरियां हैं भी और आगे भी रहेगी, लेकिन उसी तरह दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप हैं तो आप काम करते करते आपका शरीर जवाब दे दे, लेकिन कंपनी बंद ना हो, कंपनी चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए, आप वो बिजनेस अपने बच्चों को देके जा सके, वो बिजनेस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, दे जा सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों, यदि आप नहीं होते हैं तो आपके जगह पे आपके नॉमिनी उस जगह का उत्तराधिकारी होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसा सिस्टम्स ला चुकी है कि आप यदि नहीं होते हैं तो आपके नॉमिनी उत्तराधिकारी होता है। तो ये भी देखना जरूरी है कि नॉमिनी फैसिलिटी भी वहां पर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, यानी आपकी महीने की इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख की है और एक समय पता चलता है कि कंपनियां तो चल रही है लेकिन आप डेथ कर गए तो आपकी इनकम बंद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जगह पे उस कंपनी में उस ओहदे पर किसी को रखा जा सके, यानी आपके परिवार के उस हिस्से को जिसको आपने नॉमिनी में डाला हो। क्लियर दोस्तों, ये तीसरी चीजें हो गई, यानी उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखिए जो भारत सरकार के अंदर में काम करने के लिए सही हो, यानी भारत सरकार उसको प्रमाणित की हुई हो कि नहीं तुम इस कंपनी को आगे लीड कर सकते हो, आगे चला सकते हो, यानी भारत सरकार उसको परमिशन दी हुई हो इस कंपनी को चलाने के लिए। क्लियर है दोस्तों। अगली चीजें, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है जो वो सामान बेच रही है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट क्या आपके इस्तेमाल के लायक है भी या नहीं, क्या वो सामान बार बार इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी लैपटॉप बेच रही है तो लैपटॉप तो लोग बार बार नहीं खरीदेगा, जब बार बार नहीं खरीदेगा तो कंपनी की बार बार सेलिंग नहीं होगी, जब बार बार सेलिंग नहीं होगी तो कंपनी बार बार पैसा कहां से देगी, हर बार पैसा कहां से देगी। तो सामान तो ऐसा होना चाहिए ना कि सामान आप इस महीने भी खरीदें, अगले महीने भी खरीदें, अगले महीने भी खरीदें, यानी वो हर महीने हर घर के इस्तेमाल का यूज का सामान होना चाहिए, यानी कस्टमर की यूज के लायक सामान होना चाहिए जो कस्टमर उसे बार बार खरीदता हो, यानी उस सामान को लोग पसंद करता हो और बार बार खरीदना चाहता हो, इससे कंपनी की बार बार सेलिंग होगी या जब बार बार सेलिंग होगी तो आपको बार बार पैसे आएंगे। अब यदि कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंपनी लैपटॉप बेच रही है, फ्रिज बेच रही है, मतलब एक कूलर बेच रही है, उसी पे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, नेटवर्किंग कर रही है, तो बार बार तो कूलर नहीं ले, एक घर में एक ही बार कूलर आएगा। लेकिन यदि वो कंपनी शैंपू बेच रही है तो शैंपू तो हर महीने खत्म होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यदि शैंपू ही है तो देख लीजिए वो शैंपू की कीमत, वो शैंपू की कीमत उसके वाजिब रेट से दोगुना चौगुना पचगुना दस गुना तो नहीं लिया जा रहा है। ऐसा भी कंपनी है दोस्तों जो पिरामिड स्कीम पे चलती है, 100 के लिए लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कुछ प्रोडक्ट रखते हैं, जो मेरे पास 1000 प्रोडक्ट है, ये देखो मेरे पास 1000 प्रोडक्ट है, उस हजारों प्रोडक्ट को देखिएगा ना तो पता चलेगा आपको कि उसमें से 95% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में ऑनलाइन 500 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट आपको 5000 का मिल रहा है उस नेटवर्क मार्केटिंग में, उस डायरेक्ट सेलिंग में। यह भी देखिए, कोई कंपनी जूता बेच रही है, जूता मार्केट में ऑनलाइन वही जूता 500 का मिल रहा है, वो आपको 5000 का बेच रही है। शर्ट पैंट बेच रही है, वही मार्केट में शर्ट पैंट 600 700 800 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन वही आपको यहां पे 7000 8000 का मिल रहा है, 7000 8000 का मिल रहा है। अरे भाई समझ में आता है, डायरेक्ट सेलिंग है, यदि क्वालिटी बेहतर होगी तो प्राइस ऊपर नीचे होंगे, शर्ट पैंट 800 में आ सकता है और 1600 भी आ सकता है, यह समझ में आता है।
कि भाई क्वालिटी अंतर होगी तो, लेकिन 800 का सामान 8000 में मिले ये समझ में बिल्कुल नहीं आती। वो पिरामिड स्कीम वाली जो कंपनी, वैसे तो कंपनी सरकार टाइट हो गई है, रूल रेगुलेशन आदि, पिरामिड स्कीम वाली कंपनियां सारी बंद हो रही है, बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ भी अभी बच खुच करके जो थोड़ा बहुत चोरी नुके करके चल रही होगी आने समय में बंद हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी कंपनियों से बच करिए दोस्तों, यानी उसके पास जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है कि नहीं। यदि आपसे ही पूछा जाए, यदि आप इस कंपनी में काम ना भी करो तो क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? यदि आपका आंसर हाँ है तो समझ लीजिए उस कंपनी के प्रोडक्ट लाजवाब है। यदि आपसे मैं पूछूं कि जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं किसी वजह से उस कंपनी में काम आप नहीं करें और आपको उस कंपनी के सिर्फ सामान इस्तेमाल करने के लिए बोला जाए, तो आप जन्म जन्मांतर तक हमेशा इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हो जाए क्योंकि आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो दोस्तों वो कंपनी 100% आपके लायक है, आपके काम करने के लायक है, आप वहां पर कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट लोगों को फायदा पहुंचाते हो तो वो प्रोडक्ट सही है और वो कंपनी लंबे समय तक चलेगी। साथ साथ ये देख लीजिए कि यदि वो कंपनी, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने का खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं। 100% नहीं मैं बोल रहा हूं, 100% संभव नहीं है, बहुत सारे पैसे लगते हैं भाई। हजारों तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें हजारों वैरायटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, यानी शुरू से लेकर के दुनिया के जितनी तमाम जहाज तक भी मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करती है। तो भाई तो सारा चीज तो खुद नहीं बनाएगी, किसी न किसी से तो बनवाएगी। तो ये देख लीजिए रूल है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूल है 2021 में जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, रूल बनाया गया है, उस रूल के तहत जिस भी कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है वो कंपनी लीगल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं, कम से कम 10% प्रोडक्ट भी वो खुद बनाती है या नहीं, यदि बनाती है तो सही है। प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग चर्चा हो रही है दोस्तों, सोच के देखिए दोस्तों, यदि आप शादी करते हैं, अपनी बहन की शादी करते हैं, अपने भाई की शादी करते हैं और जिस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से शादी करवाते हैं, क्या उसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं कि वो लड़का क्या करता है या फिर वो लड़की क्या करती है, वो लड़की कहां तक पढ़ी है, वो लड़का कहां तक पढ़ा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके पिताजी क्या करते थे, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसकी धन दौलत क्या है, वो लड़का एम्प्लॉय है, एजुकेटेड है या नहीं, यदि जॉब कर रहा है तो उसके अच्छे पैसे आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजें जज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाकर के शादी करते हैं क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। यहां पर भी आपके लाइफ का, आपके कैरियर का सवाल है। तो दोस्तों आप सोच समझ कर कदम रखें, आप प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें और वो देखें कि लोगों के हमेशा यूज के लायक वो प्रोडक्ट बना रही है या नहीं, बेच रही है या नहीं, यानी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति को हर महीने हर समय इस्तेमाल कीजिए वो प्रोडक्ट हो, यानी लोग बार बार खरीदना पसंद करता हो, ऐसा नहीं एक बार ले लिया काम तो शुरुआत कर दिया लेकिन दोबारा वो ना खरीद पाए, या तो उसके प्राइस की वजह से या फिर उसके क्वालिटी की वजह से। सिर्फ लोग ज्वाइन कराते जा रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीदवाते जा रहे हैं, नेटवर्क बनाते जा रहे हैं, बस खरीदता जाएगा, नेटवर्क लंबा होता चला जाएगा, सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसे आ रहे हैं नहीं। कल के डेट में हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो बंद हो जाए, मान लेते हैं 10,000 लोगों की टीम बनी और ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद हो गया तो पैसे तो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद होंगे, ये 100-110% है। एक पल के लिए ऐसा तो होगा नहीं लेकिन फिर मान लीजिए 10,000 लोगों तक टीम बनी है लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद हो गया, सबके सब लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद कर दिए, पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा दोस्तों यदि वो 10,000 लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे, वो जरूर खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे। और वो 10,000 लोग यदि इस कंपनी में मात्र और मात्र हजार हजार रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितना? हजार हजार रुपए का भी यदि प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 करोड़ रुपए का सामान सेलिंग हो जाएगा, 1 करोड़ आपके नेटवर्क से 1 करोड़ का सामान सेलिंग हो जाएगा। अब 1 करोड़ का सामान सेलिंग होगा तो क्या कंपनी आपको कमीशन देगी या नहीं, पैसे देगी नहीं, ज्वाइनिंग प्रोसेस बंद हो गया लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा, यानी कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कल के डेट में आपको कभी भी पैसे रुकने वाले नहीं। ऐसा नहीं कहती कंपनी की ज्वाइनिंग कराते जाओ, 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 पैसा कमाते जाओ, ना 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 ना, कल के डेट में ज्वाइनिंग भी बंद हो जाए फिर भी पैसा मिले, ये सिस्टम। ऐसा नहीं कंपनी बोली कि बगैर काम किए हुए भी पैसा मिलेगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं बोलती है नॉन वर्किंग प्लान है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में जाओगे खूब काम करना पड़ेगा, खूब काम करना पड़ेगा, यहां पे आओ नॉन वर्किंग प्लान है, यहां पे सिर्फ ज्वाइन कर लो, आईडी लगा दो, 10,000-15,000 रुपए की आईडी लगा दो, पैसे आते रहेंगे। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा काम होता है जिसमें बगैर काम किए हुए पैसा लेता है? लेकिन उसी कंपनी की जब गहराई में उतरेंगे ना, उसी कंपनी के जब गहराई में उतरेंगे तो दोस्तों नॉन वर्किंग प्लान भी तभी काम करता है जब कोई भी, कोई ना कोई लोग उस कंपनी में वर्किंग कर रहा हो, उस सिस्टम पे वर्क कर रहा हो,
नॉन वर्किंग सिस्टम भी तभी काम करेगा जब उस सिस्टम पे कोई ना कोई वर्क कर रहा हो, कोई काम करेगा, तब तो नॉन वर्किंग वाले को भी पैसा आएगा। हो सकता है कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आईडी लगा लो और आईडी लगाते हुए इस रैंक तक आईडी लगा के इतने पैसे लगा के पहुंच जाओगे, तो उस रैंक तक पहुंच जाओगे तो कोई तो व्यक्ति होगा जो उस कंपनी में कुछ भी मनी सर्कुलेट काम कर रही हो, कुछ भी सर्कुलेट काम कर रही हो, तो काम करके देगी कंपनी को, तभी तो वो उस सिस्टम पे काम करके देगी, तभी तो वो सिस्टम पैसा देगी उसको। तो नॉन वर्किंग सिस्टम वाला जो सिस्टम है उसमें तो बिल्कुल ही मत कीजिए, तो ऐसी ऐसी चीजों से बच के रहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। उस कंपनी की प्लान सरल और आसान हो, उस कंपनी की प्लान सरल और आसान हो, उस कंपनी का प्लान आसानी से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इतना काम करने से ये प्रमोशन होगी और इतना काम करने से इतने पैसे आएंगे। सीधा एंड सिंपल, सीधा एंड सिंपल प्लान सरल और आसानी हो, जो सबको समझ में आ सके, अनपढ़ लोगों को भी समझ में आ सके, पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आ। ऐसा ना हो कि घुमा 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 के इतना घुमा देता है कि समझ में नहीं आता करना क्या है। तो प्लान जो है सरल और आसान हो, जो आसानी से समझ समझा जा सके और उसमें काम करने में सहूलियत हो, और सबसे बड़ी बात उस प्लान के अनुकूल, उस प्लान के अनुकूल कम से कम 50%, कम से कम की मैं बोल बोला, कम से कम 50% पैसा बांटती हो। 50% यानी उस प्रोडक्ट के सेलिंग पर प्लान के अनुकूल 50% पैसा बांटती हो, कम से कम 50% पैसा बांटती हो। तीन तरह से कंपनियां पैसा बांटती है दोस्तों। एक, जो प्रोडक्ट के सेलिंग पर उस कंपनी बनाए हुए प्रोडक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को होता है, बाकी प्रॉफिट लोगों को होता है। दूसरा सिस्टम यह होता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के सेलिंग पर ज्यादा प्रॉफिट अपलाइन को होता है, बाकी प्रॉफिट जो है कंपनी और जो है जूनियर्स को होता है। तीसरा सिस्टम जो होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो, उसको इक्वल पैसा कमाने का मौका मिलता है। यानी कोई इस कंपनी में लाख रुपए कमा रहा है तो आपको भी लाख रुपए कमाने का ऑप्शंस कंपनी दे रही हो, यानी कंपनी सबको इक्वल बराबर पैसा बांट रही हो, उसके लेवल्स के अनुकूल, उसके परसेंटेज के अनुकूल, उसके क्षमता के अनुकूल। ऐसा नहीं कोई मेहनत करके अफोर्ड करके बड़े लेवल पे पहुंचा है अब उसको दे रही है कंपनी 10 रुपए, आपको भी दे रही है 10 रुपए, ऐसा नहीं भाई। वो उस लाइक बना है, अभी बनोगे तो आपको भी 10 रुपए मिले वहां पे जाने के बाद। ऐसा ना हो कि ये सिस्टम आ जाए कि वो व्यक्ति तब बना था इसीलिए 10 रुपए मिल रहा है, तुम तब नहीं बने थे इसीलिए तुमको आज 5 ही मिलेगा। नहीं, आपको बराबर इक्वल पैसा कमाने का सिस्टम वहां पे हो, सबको समान मौका देती हो कंपनी पैसा कमाने, यानी उस कंपनी में, उस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का ज्यादा फायदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ज्यादा सोचती हो। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम में काम करने में मजा आता है, उस प्लान के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और इससे पहले जो काम कर रहे हुए लोग रहोगे उससे भी आगे बढ़ने की आपकी संभावनाएं बनती है। यानी प्लान सरल हो और आसान हो। क्लियर दोस्तों? आगे समझते हैं। उस कंपनी में सिर्फ पैसा कमाने पर आपको सिर्फ जोर नहीं दिया जाता हो, उस कंपनी में सबसे पहले पैसा कमाने से पहले आपकी ट्रेनिंग और आपके डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता हो, आपको सबसे पहले उस कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जोर दिया जाता हो, फिर पैसा कमाने के बारे में सिखाता हो, तो दोस्तों वो कंपनी 100% लीगल हो। क्योंकि अक्सर ऐसी कंपनी आपको मिलेगी दोस्तों सिर्फ बताएगी क्या ट्रेनिंग लोगे, क्या मीटिंग लोगे, क्या ये लोगे, फलान चिलान ठेकान, टेंशन ना लो, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग लो, आईडी बना लो, यहाँ पे बैठ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस दो लोगों की आईडी लगा लो, महीने का लाख रुपए नहीं आया तो मैं गुलाम हो जाओ। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो ऐसे सिस्टम से दूर भागिए। बगैर मेहनत से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, इतनी आसानी से मिलता तो सब लोग इसी लाइन में आ जाते, क्यों छोड़ छोड़ के चले जाते हैं भाई, क्यों छोड़ छोड़ के चले जाते इस इंडस्ट्री को। अब बाहर जाके बोलते हैं कंपनी खराब, लोग खराब, कंपनी खराब, लोग खराब नहीं है तो वो आदमी खुद खराब होता है भाई, उस कसौटी से गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इम्तिहान देने के लिए तैयार ही नहीं है। आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन आईएएस आईपीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कैटेगरी चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो सिंसियरिटी चाहिए, जो लगन चाहिए, वो करता ही नहीं है। एग्जाम में टॉप करना चाहता है लेकिन टॉप करने वाले स्टूडेंट की जो रवैया होती है वो रवैया है ही नहीं, लेकिन टॉप करना चाहता है, बोलता है रब टॉप टॉप टॉप, नहीं होने वाला भाई। बगैर मेहनत से कुछ नहीं होता, बगैर मेहनत से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता, मेहनत करना ही पड़ेगा, कम या ज्यादा। कम करने से कम मिलेगा, ज्यादा ज्यादा करेंगे ज्यादा मिलेगा। एक ये लेन एक ऐसा लेन है, यदि एक बार मेहनत करके अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा देते हैं, उस ओहदे पे पहुंचा देते हैं, उस टारगेट पर पहुंचा देते हैं, जिस टारगेट पर जाने के लिए आपने इस कंपनी को शुरुआत किया था, तो दोस्तों आपको पैसे तो इतने मिलेंगे ना कि जिंदगी में आपके साथ पुष्टियां नहीं कमाई होंगी, साथ पुष्टियां नहीं कमाई होंगी। तो उस कंपनी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता हो, तब जाकर के पैसे कमाने पर जोर दिया जाता हो, वो दोस्तों कंपनी आपके स्किल्स को बढ़ाना चाहती है। क्योंकि ऐसे जगह पर यदि आप सक्सेस भी हो गए दोस्तों और सफल भी हो गए, तो वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपको मिलता है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम से दुनिया में किसी भी कोने में अपना एक परचम लहरा सकते हैं, अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं।
क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क बड़े बड़े मोटिवेटर के मुंह से मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में यदि 6 महीने भी काम कर लिया और साल भर भी काम कर लिए लेकिन अनसक्सेस भी हो गए तो अनसक्सेस होने का भी वहां पर गैर फायदा नहीं बल्कि फायदा ही है, क्योंकि वहां से सीखा हुआ बात आपको बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा मदद करेगी किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन है जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये एक ऐसा एजुकेशन है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर को सिखाया जाता है, और जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं, जो अच्छे नेटवर्क होते वर्कर होते हैं और जो अच्छी कंपनी होती है वही ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं और वही अपने डाउनलाइंस को अच्छे नेटवर्कर अपने डाउनलाइंस को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम दिलाते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां का मजबूत हो और आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान देती। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मैंने जितनी भी बातें बताई है ये तमाम बातें, ये कुछ चीजें हैं, यदि इस तमाम चीजों को आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, ये तमाम चीजों को देख लेते हैं तो बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बस लगन से शिद्दत से सीख के समझ के मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपके बहुत बड़े सपने इस जगह से पूरे होने वाले हैं। दुनिया के लोग तरसते रह जाएंगे आपके जैसा पैसा कमाने के लिए, आपके जैसा शोहरत कमाने के लिए, और आप इस इंडस्ट्री से इतना बड़ा पैसा कमाओगे कि आपके जैसे लोग बनने के लिए सोचेंगे, तरसेंगे। जो भी चीजें मैंने बताई शुरू से चीजें, पहले कंपनी कब शुरुआत हुई, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, समझे, कंपनी की प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम्स मजबूत हैं या नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट लोगों के इस्तेमाल के लायक है या नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुकूल, प्रोडक्ट के प्राइस अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में एक तेल, यदि आंवला तेल है तो आंवला तेल एक ही रेट का नहीं मिल रहा है, यदि कोकोनट ऑयल है तो एक ही रेट का नहीं मिल रहा है, किसी ब्रांड का कोकोनट तेल का अलग रेट है, किसी ब्रांड का कोकोनट तेल का अलग रेट है। तो इस तरह से मैंने जितनी भी बातें बताई, यदि आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से पुनः देखिए, आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है। और यदि आपको समझ में आ जाए तो दिलो जान से मेहनत कीजिए, सीखिए, समझिए, अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए और दिल से मेहनत कीजिए। यदि आपकी कंपनी इस आधार पर काम कर रही है जैसे मैंने बताया और ये इस सिस्टम पर काम कर रही है तो आप एक अच्छी लीगल कंपनी में काम कर रही है, बेस्ट ऑफ लक, आप उस कंपनी में जरूर सक्सेसफुल होंगे। यदि उस कंपनी के नीति नियम रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कंपनी के हर सिस्टम को फॉलो करते हुए मेहनत करती हैं, तो यदि आपकी कंपनी ये सारी नीति नियम को फॉलो नहीं करती और इस सिस्टम से, इस कसौटी से गुजर नहीं रही है तो दोस्तों उस कंपनी को भी राम राम कह करके अपना करियर एक अलग जगह पर स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपकी कंपनी, आपका वो जगह इस सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करती है जो मैंने बताया तो दोस्तों आप एक अच्छी कंपनी में है, एक बहुत अच्छी कंपनी में है, आपका लाइफ वहां पर सिक्योर है, बस आपको अपने आप को साबित करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आप अपनी राइस कमेंट सेक्शंस में जरूर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑल को दबाइएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत कमाल की टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।